नियति ने जहां एक ओर मेरी सीमाओं पर खतरे बिखेरे, वहीं दूसरी ओर उनका मुकाबला करने के लिए एक तरफ चंद्रगुप्त जैसा वीर पैदा किया जो उस समय की मेरी जरूरतों को देखते हुए सचमुच एक हीरा था, पर था अनगढ़। इसीलिए उसे तराशने के लिए नियति ने चाणक्य जैसा आचार्य भी उसी दौर में पैदा किया, जिसके मन में अखंड भारत का सपना भी था और उस सपने को पूरा करने के लिए उपयुक्त शासक की जबरदस्त इच्छा भी, जो मुझे एक सूत्र में बांध मुझे अपराजेय बना सके। अरे वो रहे आचार्य, पुरुषदत्त आचार्य ये क्या कर रहे हैं? अच्छा खासा मट्ठा खरीदा और झाड़ी में डाल दिया। चुप रहो भद्रभट, ये आचार्य चाणक्य हैं, करते रहते हैं ये विचित्र विचित्र बातें। गुरुकुल में ऐसे ही सब इन्हें विद्रोही आचार्य नहीं कहते। आचार्य, आचार्य चाणक्य को पुरुषदत्त का प्रणाम। भद्रभट का भी प्रणाम स्वीकार करें आचार्य। यशस्वी भव। आचार्य, हमारी आंखों के सामने आपके पांव में कांटा लग गया। हमें बहुत बुरा लगा आचार्य, पर हम कर भी क्या सकते थे। पांव में कांटा चुभना था दुर्भाग्य, पर महत्वपूर्ण ये है कि फिर क्या किया मैंने। हम दोनों भी यही देख रहे थे आचार्य। आचार्य, ये कोई तंत्र क्रिया तो नहीं? जो कष्ट मुझे हुआ वो दूसरों को ना हो, इसीलिए मुझे लगा कि इस कष्ट के कारण को नष्ट करना है आवश्यक। झाड़ी में मट्ठा डाल के कैसे आचार्य? झाड़ी में मट्ठा आमंत्रण है उन चींटियों को, जो अब आएंगी और मिटा देंगी झाड़ी को जड़ से। तत्पश्चात ये मार्ग हो जाएगा कांटों बिना सहल सबके। समस्या से बचना ही आवश्यक नहीं, समझदार वो है जो समस्या से टकराए तो फिर उसे मिटाकर ही दम ले। कुछ कहना था मुझसे? हाँ, प्रधानाचार्य जी ने आपको तुरंत बुलाने को कहा है। आचार्य, गुरुदेव गुरुकुल में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आचार्य, आचार्य, आचार्य!